सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं एसपीबी में, बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये तुम्हारे लिए टॉपिक नया है, कभी पहले तुमने सीखा नहीं है इसको, बराबर। तो ये बिजनेस कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो बिजनेस कॉम्बिनेशन होता क्या है? अपने कई बार देखते हैं कि दो कंपनी एक साथ में बिजनेस स्टार्ट करती है या तो बिजनेस के अंदर मर्ज करा देती है, जैसे वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ, बराबर। एचपी और कॉम्पैक, ये दो कंपनी का मर्जर हुआ था। उसी तरह से बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो साथ में बिजनेस कर, यानी साथ में काम कर। तो ये कंपनी जो भी बोली जाए वो कौन सी कैटेगरी के अंदर बोली जाती है? बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर, राइट। तो अब सबसे पहले हम बिजनेस कॉम्बिनेशन उसका मीनिंग समझेंगे और कारण, कॉजेज, यानी क्या कारण है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो पहले तो अब बिजनेस कॉम्बिनेशन इज एन असेंबली, असेंबली यानी जोड़ान, यानी कमिंग टुगेदर, एक साथ में आना, ऑफ टू और मोर ग्रुप्स ऑफ फर्म्स और कंसर्न्स एंगेज इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमोडिटीज। वो क्या करते हैं? या तो प्रोडक्शन करते हैं या तो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, दो में से कोई भी एक, या दोनों भी कर सकते हैं। एंड वो भी कहाँ पे? नेशनल मार्केट में, यानी अपनी कंट्री में जगह अकेला करे, या फिर इंटरनेशनल यानी पूरे दुनिया के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करे। अब कॉमोडिटीज का मतलब क्या आता है? गुड्स भी आ गए और सर्विस भी आ गए। गुड्स एंड सर्विस दोनों को अपने क्या बोलेंगे? कॉमोडिटीज। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन हैज टू मेन ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले एलिमिनेशन ऑफ अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन का दूर करना पहला तो, एंड अवॉइडेंस ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। जो भी एक्सपेंडिचर जो वेस्टेज क्रिएट करते हो, प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी हमारा वेस्टेज होता है, देखिए एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई कंपनी बिजनेस स्टार्ट करे और वो मशीन 1 लाख यूनिट को प्रोड्यूस करने वाला यूज करे, 1 लाख यूनिट एक दिन में प्रोड्यूस हो सके वैसा एक दिन में, अब बात समझो उसके पास इतना ऑर्डर नहीं है, उसके पास खाली 30 हजार का ऑर्डर है, तो तुम्हारे 70,000 की कैपेसिटी वेस्ट हो गई, बराबर। अब दूसरी कंपनी, वो कंपनी भी सेम वही बिजनेस कर रही है, उसके पास खाली 40 हजार का ऑर्डर है, उसके पास भी मशीन तो 1 लाख वाला जे, अब 30 और 40 मिला के भी कितना हुआ? 70। 30 और 40 मिला के भी कितना हुआ? 70 हुआ। अभी भी 30 हजार की कैपेसिटी बेकार में जा रही। तो तीसरी कंपनी, अब तीसरी कंपनी के पास भी सेम ऐसा ही। अब यहाँ पे तीन तीन कंपनी अपने स्टार्ट करने की जरूरत थी नहीं, अब तीनों कंपनी एक दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन बना ले और एकल मशीन के अंदर 1 लाख प्रोड्यूस कर सके, तो तीनों का खर्चा बच गया। सिर्फ अकेला प्रोडक्शन का खर्चा नहीं बचता, मार्केटिंग का खर्चा भी बच जाता है, क्योंकि तीनों अलग अलग मार्केटिंग करे, इससे अच्छा ही है कि एकल मार्केटिंग का खर्चा किया जाए। तो यही आता है इसके अंदर कि तुम जो भी प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन में करते हो, या फाइनेंस की पॉलिसी एक जैसी बने, मैनेजमेंट की पॉलिसी एक जैसी बने, प्रोडक्शन और मार्केटिंग की पॉलिसी एक जैसी बने, तो इसका मतलब दो कारण है। इसके कारण बेसिक रीजन दो है, एक तो एलिमिनेशन ऑफ अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, एलिमिनेशन ऑफ अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन बेकार की कॉम्पिटिशन को हटाओ, और दूसरी बात वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को दूर करो। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, सॉरी डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू हैनी, टू कंबाइन मीन्स टू बिकम वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द होल। कंबाइन करना मतलब एक बड़े का एक छोटा सा हिस्सा बनना,
एक बड़े बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा बनना, एंड अ कॉम्बिनेशन का मतलब यूनियन ऑफ पर्संस, जो पूरा ग्रुप बनाते हैं। अपने ऐसा बोलते हैं कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब क्या होता है, दो तीन चीजों को मिला के। फॉर द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन यानी आगे बढ़ाना, प्रोसिक्यूशन का मतलब एडवांसमेंट ऑफ सम कॉमन पर्पस, यानी एक पर्पस के लिए ये लोग काम करेंगे। द बेसिक पर्पस ऑफ कॉम्बिनेशन में भी सबसे पहला पर्पस क्या हो सकता है, सर्वाइवल यानी बाजार में टिकना, उसके बाद में ग्रोथ यानी आगे बढ़ना, और प्रेस्टीज यानी रेपुटेशन, तुम्हारी मार्केट में आबरू इज्जत बढ़ती है अगर तुम कॉम्बिनेशन के साथ में ज्वाइन होते हो। अब कॉजेज ऑफ कॉम्बिनेशन, तीन कैटेगरीज है, एक तो ड्राइविंग और इम्पेलिंग फोर्सेस। ड्राइविंग फोर्सेस यानी अट्रैक्शन वाले, तुमको उनकी तरफ है ना अट्रैक्ट करते, आकर्षण करना रहा। उसके बाद में बेकनिंग, बेकनिंग यानी सपोर्ट करने वाले, बेकनिंग का मतलब क्या, सपोर्ट करने वाले। और तीसरा आता है फैसिलिटेटिंग यानी फायदा पहुंचाने वाले। अब तीनों का मतलब समझे, ड्राइविंग का मतलब अपने को ऐसा लगता है कि ये देखो बड़े बड़े बिजनेस कितना अच्छा काम करते हैं, तो मुझे उनके साथ में ज्वाइन होने का एक तरह से अट्रैक्शन होता है कि वहां पे अगर उनके ग्रुप के साथ में अगर मैं ज्वाइन हो जाऊं तो मेरी भी तरक्की इतनी हो पाएगी जितनी इन लोगों की, पहली बात। दूसरा सपोर्ट का बेकनिंग, कि जब किसी बिजनेस की पोजीशन डामाडोल हो जाती है वो टाइम पे कोई बड़ा बिजनेस उसको सपोर्ट दे पाएगा, तो ये बेकनिंग फोर्सेस हुआ। और तीसरा जो लिखा है फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेटिंग यानी फायदा पहुंचाने वाली। अब समझो कि रिलायंस के पास डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा नेटवर्क है, मेरे पास नहीं है, तो मैं अगर रिलायंस के साथ में ज्वाइन हो जाता हूँ तो उसके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क मुझे मिल जाए। जैसे कि एग्जाम्पल सैंडिस्क जो पेन ड्राइव बनाती है, वो रिलायंस के साथ में कंबाइन हो जाए और रिलायंस के पास खाली अपने गुड्स को बेचे, और वो वहीं पे अपने अगर खरीदना भी हो तो वहीं जाना पड़े, तो ये क्या हो गया, इसको दो चीजों का फायदा हुआ। सबसे पहले तो रिलायंस के नाम का फायदा हुआ, और दूसरा और बड़ा फायदा क्या कि रिलायंस के सारे स्टोर के अंदर वो अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, अपनी खुद की अलग स्टोर निकालने की उनको जरूरत नहीं, बराबर। तो ये तीन चीज है। अब ये जो कॉजेज बोले जाते हैं एकदम माइक्रो लेवल के ऊपर, तो उसमें पहला आता है वेस्टफुल कंपटीशन, सीवियर एंड इंटेंस कंपटीशन, दोनों का मतलब होता है एकदम ज्यादा यानी तीव्र। कंपटीशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्सेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन, यानी कंपटीशन सारे के सारे कॉम्बिनेशन की, ऐसा बोले ना कि उनकी मदर है। जैसे कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी मार्केट एक्सपांशन, एक्सपांशन यानी ह्यूज एक्सपांशन यानी बहुत ज्यादा मार्केट फैला फैला हुआ था वो इन एक्सपांशन के बाद, एंड शिफ्ट फ्रॉम स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। पहले प्रोडक्शन होता था ना वो स्मॉल स्केल के ऊपर होता था, मतलब घर घर के अंदर प्रोडक्शन होता, अब लार्ज स्केल यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होने लगा। कॉम्पिटिशन वेस्टफुल हो गई, ज्यादा इंटेंस और एक्यूट, एक्यूट यानी हर छोटी छोटी चीजों के लिए कॉम्पिटिशन होती थी, राइट, तीव्रज के भाई। एंड द स्मॉल एंड इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर्स वर कंप्लीटली थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट, जो छोटे प्रोड्यूसर थे ना और इनएफिशिएंट यानी मतलब जो लोगों के पास काबिलियत नहीं थी, इनएफिशिएंट यानी बिन कार्यक्षम के भाई, तो अगर ऐसे जो भी प्रोड्यूसर्स थे वो मार्केट से हमेशा के लिए फेंक दिए गए। द बिग बिजनेस यूनिट्स डिड नॉट एबल टू शिफ्ट टू अदर बिजनेसेस। अब दूसरे बिजनेस में मुझे शिफ्ट भी करना हो ने तो मुझे पूरी मशीन से लेके, एक बात समझो छोटा बिजनेस हो ने दुकान है, और दुकान है तो दुकान के अंदर बिजनेस को चेंज करना आसान है, लेकिन तुमने अगर समझो कार बनाने की फैक्ट्री डाली हो तो कार बनाने की फैक्ट्री से तुम अगर ऐसा सोचो साइकिल बनाने की फैक्ट्री चालू करो तो कहाँ से कहाँ, पूरे मशीन सब बदलना पड़े, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो आप शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो। बड़े बिजनेस के अंदर शिफ्ट करना बहुत आसान नहीं होता है, इसलिए दे वर मेकिंग स्ट्रगल फॉर देयर सर्वाइवल। तो ये इस तरह से जूझ रहे थे एक दूसरे के साथ में कि मार्केट में टिक तो जाए, खाली टिकना मार्केट के अंदर बहुत भारी हो गया था उनके लिए। सो दे होप दैट बिजनेस कॉम्बिनेशंस आर नेसेसरी टू रिमूव द डुप्लीकेशन ऑफ पैटर्न्स एंड प्लांट्स, डुप्लीकेशन ऑफ सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड टू प्रिवेंट द फेलिंग प्राइसेस एंड प्रॉफिट मार्जिन। देखो फेलिंग प्राइसेस नहीं है, फॉलिंग प्राइसेस है, आई की जगह एल लिख देना।
अब बिजनेस कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है? डुप्लीकेशन ना हो, यानी एकद चीज दो दो जन बना ले, मार्केट सिर्फ एक का दे लेकिन दो दो जन चीजें बना रहे तो डुप्लीकेशन हो गया। एक ही जैसी पैटर्न की चीज दो लोग बनाएंगे तो कंज्यूमर भी कंफ्यूज, तुम भी कंफ्यूज, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक जगह पे अपने मार्केटिंग करे समझ में आता है, लेकिन 10-10 जगह पे करेंगे तो कोई फायदा नहीं। और प्रिवेंट यानी रोकना, मार्केट जो के अंदर जो प्राइसेस गिरती है ना, या तो प्रॉफिट के मार्जिन में जो गिरावट आती है उसको रोकना। तो वेस्टफुल कंपटीशन में क्या आया, कौन कौन से पॉइंट हमने समझे? पहली बात तो 19th सेंचुरी का एग्जाम्पल हमने देखा कि उसमें मार्केट एक्सपांड हो रहा था, साथ में स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल की तरफ शिफ्ट हो रहा था। अब जो बड़े बिजनेस है वो कंपटीशन के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते थे, लेकिन वो अपना बिजनेस भी बदल नहीं पा रहे थे। इसीलिए यहाँ पे सारे के सारे डुप्लीकेशन को रोकने के लिए हमारे लिए कॉम्बिनेशन के अंदर एंटर होना जरूरी हो गया। फिर एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, द प्रोड्यूसर्स आर मोटिवेटेड टू मेक द बिजनेस कॉम्बिनेशन टू टेक फॉलोइंग एडवांटेज, एडवांटेजेस यानी फायदे ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन। लार्ज स्केल ऑपरेशन प्रोडक्शन में इट नीड्स बल्क परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल ज्यादा होना, इट कैन ज्यादा बल्क यानी ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना, हम ज्यादा खरीद पाते हैं। इट कैन स्प्रेड द फिक्स कॉस्ट ओवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एक एग्जाम्पल, एक समझो कि बड़ा सा हॉल है, बराबर। उस बड़े हॉल के अंदर तुम अगर समझो कि 10 वर्कर को काम सौंपते हो तो भी पूरे हॉल का भाड़ा देना पड़ेगा, 100 वर्कर को काम कराते हो तो भी सेम भाड़ा रहेगा, और 1000 वर्कर काम करेंगे तो भी सेम भाड़ा रहेगा। तो ये फिक्स कॉस्ट है ना, अगर 1000 वर्कर के पास से काम कराओगे तो 1000 वर्कर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो ये कम होती जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट का कम होना एक रीजन था। एंड ऑल दिस गिव एडवांटेज लाइक रिडक्शन इन परचेस कॉस्ट, तो परचेस की कीमतें कम होने लगी क्योंकि आपको डिस्काउंट मिलता था, आप सीधा बड़ा ऑर्डर दे रहे थे सामने वाले को। जैसे डीमार्ट, वो डीमार्ट को फायदा जितना भी होता है वो आप तक पहुंचता है इसीलिए क्योंकि डीमार्ट एक साथ में पूरी की पूरी कोई चीज की ट्रक मंगवाता है, तो इसका फायदा उसको मिलेगा। रिडक्शन इन एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हुई और वेस्टेज कम हुआ। वेस्टेज यानी बेकार में, क्योंकि आप जब भी काम करते हो बड़े बिजनेस के अंदर तो आपके पास एक्सपर्ट होते हैं। अब ये जो एक्सपर्ट है ना, वो आपको ये सलाह देते हैं कि कब आपको कितना क्वांटिटी परचेज करना है, प्रोड्यूस करना है, तो आप वेस्टेज तो करोगे नहीं इसीलिए, या कम हो जाएगा। फिर फायदा होता है लार्ज स्केल मार्केटिंग का, इफ मार्केटिंग इज डन ऑन लार्ज स्केल, इससे कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड लिखा है, एरिड नहीं, एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडवर्टाइजिंग का खर्चा कम हो जाता है, बराबर ना, लार्ज स्केल मार्केटिंग में। और ह्यूज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, इफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स ह्यूज फाइनेंस, इट कैन गेट इट एट चीपर रेट और फेवरेबल टर्म्स के ऊपर वो फाइनेंस उसको मिल जाएगा बाय क्रिएटिंग द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। यानी अगर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो इससे चीपर रेट में, सस्ते में फाइनेंस मिल जाएगा, वो भी अपने जैसा चाहे ने वैसी कंडीशन, फेवरेबल टर्म्स यानी अपने जैसे पसंद हो ने वैसी टर्म्स को। फिर आता है डिजायर फॉर मोनोपोली, सम प्रोड्यूसर्स फॉर्म द बिजनेस कॉम्बिनेशन टू फुलफिल देयर डिजायर ऑफ मोनोपोली पावर, द मोनोपोली लीड्स टू ग्रेटर कंट्रोल ऑफ द मार्केट एंड लार्जर प्रॉफिट इन द बिजनेस। अब मोनोपोली यानी मतलब मैं अकेला आज मार्केट में, इजाराशाही मोनोपोली, अब इसमें अकेला मैं मार्केट में हूं तो मैं क्या करूंगा, प्राइस को भी कंट्रोल करूंगा, सप्लाई को भी कंट्रोल करूंगा, और कस्टमर को झक मार के जो पैसे मांगो देने पड़ेंगे। द मोनोपोली विल बिकम सक्सेसफुल ओनली व्हेन द प्रोडक्ट हैज इन इलास्टिक डिमांड। अब सवाल, इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या? मैं प्राइस को कितना भी चेंज करूं, कितना भी बढ़ाऊं या कम करूं, डिमांड बदले ना, कीमतें बढ़े तो भी डिमांड सेम, कम करूं तो भी डिमांड सेम, यानी डिमांड के अंदर कोई ज्यादा फर्क ना पड़े ने, तभी मैं मानूंगा कि ये इन इलास्टिक डिमांड है या तो लेस इलास्टिक डिमांड। व्हेन द डिमांड इज इन इलास्टिक द मोनोपोलिस्ट कैन रेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट एनी फियर ऑफ द रिडक्शन इन द डिमांड। यह डर इस बात का नहीं रहता कि प्राइस कम हो जाएगी, ये डर नहीं रहता, इसलिए अपने क्या करेंगे, मोनोपोलिस्ट प्राइस को इंक्रीज कर पाएगा, प्राइस को बढ़ा पाएगा।
फिर आता है उसके बाद में बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल यानी क्या होता है, इसको बोलते हैं व्यापारी चक्र। उसका मतलब बूम्स एंड डिप्रेशन, यानी तेजी और मंदी का माहौल होना मार्केट में। बूम्स मीन्स पीरियड ऑफ पीक प्रॉस्परिटी, यानी हर जगह पे समृद्धि दिखेगी, हर जगह पे ने आपको तरक्की दिखेगी, उसको बोला जाता है वेयर द प्रॉफिट इज हायर एंड देर इज रैपिड ग्रोथ ऑफ ऑल फॉर्म्स। सब फॉर्म्स जो है वो एकदम फास्ट ग्रो करती है। अब डिप्रेशन मीन्स पीरियड ऑफ क्राइसिस वेयर द डिमांड इज वेरी लो एंड प्रोड्यूसर्स हैव टू ऑफर द प्रोडक्ट्स एट बॉटम प्राइसेस। यहाँ पे डिप्रेशन का मतलब क्राइसिस का टाइम, क्राइसिस यानी हमारी मुसीबतों का टाइम, मुश्किल बोलते हैं उसको। एंड यहाँ पे डिमांड बहुत कम हो जाती है और हमको जितनी कम हो सके उतनी प्राइस के अंदर चीजों को बेचना पड़ता है स्टॉक को क्लियर करने के लिए। तो फर्म के सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज है और कोऑपरेशन दूसरी फर्म्स का उनको चाहिए, दूसरी फर्म से उनको मदद चाहिए। ड्यूरिंग डिप्रेशन लार्ज स्केल क्लोजर ऑफ बिजनेस, डिप्रेशन यानी मंदी के टाइम पे बिजनेस क्लोजर यानी बंद हो जाता है। एंड मर्जर ऑफ बिजनेस यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीद लेता है, उसको मर्जर बोलते हैं। एंड होलसेल कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस, 10-12 बिजनेस को खाली एक बड़ी फर्म खरीद लेती है, इस तरह से हो सकता है। अब इन्फ्लुएंस ऑफ टैरिफ, टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी, आयात कर, उसका इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस यानी उसकी इफेक्ट क्या होती है। सर द टैरिफ्स हैव बीन रिफर्ड एस टू एस एस टू द आएगा टू एस नहीं एस टू द मदर ऑफ ऑल ट्रस्ट द मेन पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिव टैरिफ। अब देखो टैरिफ है ना, प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। जैसे बहुत सारी चीजें, अगर बहुत सारी कंपनीज अगर इंडिया में अपने गुड्स को डंप कर रही है चाइना से, तो उनसे इंडिया के प्रोड्यूसर को बचाने के लिए, बाहर से आने वाले गुड्स को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, वो कंपनीज के ऊपर जो बाहर से इंडिया में गुड्स को डंप कर रही है उसके ऊपर क्या करेगी, टैक्स लगा देगी। पता है उसको क्या बोला जाता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी बोला जाता है। और एंटी डंपिंग ड्यूटी 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक साथ में चाइना के 316 प्रोडक्ट के ऊपर लगाई, एक दो नहीं एक ही दिन में 316 प्रोडक्ट के ऊपर लगाई। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी सीधी कितनी होती है, 30%, 40%, 100%, कई बार तो यानी जितनी कीमत हो ने उसके 30% बढ़ जाएंगे। अब वो जब बाहर से इंडिया में गुड्स आएंगे तो 30% या तो 100% ड्यूटी के साथ में वो आएंगे, तो इसका मतलब इंडिया में बेचने वाले को वो महंगा बेचना पड़ेगा। अब महंगा बेचेंगे तो उसके सामने हमारी प्रोडक्ट सस्ती हो जाएगी, तो हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी और उनकी प्रोडक्ट को खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो वेन टैरिफ यानी कस्टम ड्यूटी जब इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर इम्पोज की जाती है तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो जाती है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट को फायदा होता है, डोमेस्टिक यानी लोकल यहाँ की प्रोडक्ट। When protection is offered through tariff, the competition becomes intense in the home industry. अब देखो दूसरा प्रॉब्लम शुरू, बाहर से आने वाले गुड्स को तुमने रोका तो यहाँ वालों का झगड़ा शुरू हो गया कि हम यहाँ पे कैसे टिके, क्योंकि सबके लिए मार्केट ओपन हो गया, तो यहाँ अंदर अंदर कॉम्पिटिशन बढ़ जाती है सर। एज अ रिजल्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फील द नीड फॉर कॉम्बिनेशन टू चार्ज हायर प्राइसेस। फिर उनको ऐसा लगता है कि अंदर अंदर झगड़ा करेंगे तो जो मार्केट में हमारे सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है वो हमसे हाथ में से निकल जाएगी, तो इससे अच्छा क्या है कि हम अंदर अंदर कंपटीशन करना बंद कर दें, हम साथ में मिलके एक कॉम्बिनेशन बना लें और एक ही प्राइस पूरे मार्केट में सबके लिए एक ही कीमत चार्ज करें। ऐसा टू चार्ज हायर प्राइसेस सो एज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। इन इंडिया द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू द शुगर इंडस्ट्री, याद रखना ये अंडरलाइन करो, एमसीक्यू में आ सकता है। एज ए रिजल्ट इन 1937 शुगर सिंडिकेट वो फॉर्म की गई एंड फॉर सेलिंग द शुगर प्रोड्यूस बाय मेंबर प्रोड्यूसर्स। शुगर सिंडिकेट कब फॉर्म की गई, 1937 के अंदर। फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड एम्बिशन। अब कोई एक इंसान जो बिजनेस को मैनेज बहुत अच्छी तरह से कर रहा है,
उसने अपने बिजनेस को एक छोटे बिजनेस से बहुत बड़े बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करके दिखाया थोड़े टाइम पीरियड में। तो उसकी काबिलियत का फायदा लेने के लिए छोटे बिजनेस उसके साथ में ज्वाइन हो जाएंगे, पहला। और दूसरा एम्बिशन, कई बार लोगों को ऐसा होता है ना कि मैं छोटे छोटे पैमाने पे बिजनेस करूँ ना, मैं क्या करूँ, हमेशा लार्ज स्केल के ऊपर बिजनेस की बात करूँ। तो देखो यहाँ पे द स्कैर्सिटी ऑफ टैलेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी स्कैर्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। स्कैर्सिटी यानी अछत होना, कोई चीज का ना होना, कम होना। तो लोगों के पास पैसे है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन करने की काबिलियत नहीं उनके पास। ऑन वन हैंड देर इज रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, बट ऑन द अदर हैंड देर इज शॉर्टेज ऑफ सफिशियंट नंबर ऑफ ट्रेंड एंड टैलेंटेड पीपल टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द इंडस्ट्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो ये थी कि ग्रोथ बहुत फास्ट हो रहा था इंडिया में, अभी ग्रोथ बहुत फास्ट है। अब इतना फास्ट ग्रोथ है तो उसके सामने, अपने सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसको मैनेज करेगा कौन? तो ऐसे टैलेंटेड लोग नहीं है, ये सब ट्रेंड लोग नहीं है अपने पास, तो वो कम है। इसलिए हम क्या करते हैं, जहां पे ऐसे ट्रेंड और टैलेंटेड लोग हैं वैसे बिजनेस के साथ में अपने बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट मेनी यूनिट्स हैव टू कंबाइन टू टेक द एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। मोर ओवर एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, जिसके अंदर है ना एम्बिशन इस बात का है ना कि मैं किस तरह से बिजनेस को 100%, 200%, 300% बढ़ाता ही जाऊं ऐसा। तो एम्बिशियस नेचर ऑफ सर्टेन बिजनेस मैग्नेट्स, मैग्नेट्स यानी जायंट, जो बड़े टाइकून होते हैं ना बिजनेस, उसको मैग्नेट्स बोला जाता है। इसको मैग्नेट इसीलिए बोला जाता है कि उनकी तरफ सबका फोकस होता है, सब उनको देख के ना ऐसा समझते हैं कि यार इस चीज के जैसा तो बिजनेस कोई ना करो। हैज ऑल्सो डेवलप द कॉम्बिनेशन, उन्होंने भी कॉम्बिनेशन बनाना शुरू किया। रिस्पेक्ट फॉर बिजनेस, द स्ट्राइकिंग फीचर, यानी सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट करने वाला फीचर है ना वो कौन सा है प्रेजेंट डे के अंदर? क्रेज एंड रिस्पेक्ट फॉर द लार्ज बिजनेस। बड़े बिजनेस के लिए लोगों का क्रेज, लोगों को ऐसा लगता है कि बड़े बिजनेस के साथ में अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारी रेपुटेशन मार्केट में बढ़ जाएगी। बिजनेस मैन फील प्राउड व्हेन दे ओन लार्ज साइज बिजनेस और कंबाइंड विद लार्ज साइज बिजनेस। उनको प्राउड फील होता है, उनको अभिमान लगता है इस बात का कि चलो हम किसी बिजनेस के साथ में ज्वाइन होते हैं, बड़े बिजनेस के साथ में, तो हमारा भी मार्केट में रुतबा बढ़ जाएगा। मोर ओवर जनरल पब्लिक ऑल्सो गिव्स मच रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट्स ऑफ लार्ज साइज बिजनेस। तो जनरल लोग है ना वो भी ऐसा मानते हैं कि यार इतना बड़ा बिजनेस है, अच्छी प्रोडक्ट बेचता होगा ना, ऐसा मान के वो प्रोडक्ट भी खरीदते हैं। फिर आता है उसके बाद में रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मतलब समझदारी। जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया ना 40,000 30,000 यूनिट वाला, वो रैशनलाइजेशन का एग्जाम्पल, कि मेरे पास अगर समझो 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने का मशीन है, मेरे पास ऑर्डर है 80,000, तुम्हारे पास 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने का मशीन है लेकिन तुम्हारे पास ऑर्डर है 1,20,000 का, तो तुम्हारे सामने प्रॉब्लम ये है कि तुमको 20,000 का ऑर्डर रिजेक्ट करना पड़ेगा और मेरे पास वो 20,000 का ऑर्डर है नहीं। तो अगर हम दोनों के बिजनेस को कंबाइन करेंगे तो तुम्हारा जो ज्यादा वाला ऑर्डर है वो मुझे सप्लाई कर दो, मैं भी कमाऊँ तुम भी कमाओ, दोनों की समझदारी। इसमें झगड़े की बात नहीं, इसमें क्या है, समझदारी से दोनों के बिजनेस चलेंगे ऐसा। और रैशनलाइजेशन स्कीम्स में हैव मेनी पर्पसेस लाइक टू रेगुलेट द प्राइस एंड आउटपुट। कई बार प्राइस को रेगुलेट करते हैं, प्राइस को कंट्रोल में रखते हैं, आउटपुट को। टू स्क्रैप आइडल प्लांट कैपेसिटी, स्क्रैप यानी यूज करना, और आइडल प्लांट यानी बेकार पड़ा हुआ जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी को यूज करना। टू प्लान फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स मटेरियल, जो भी हमारे पास मटेरियल है जो स्कैर्सिटी में, उसको यूटिलाइज करना। टू स्टैंडर्डाइज द प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड्स बनाना। द रैशनलाइजेशन कैन बी अचीव ओनली थ्रू जॉइंट एंड कोऑपरेटिव एक्शंस। लेकिन रैशनलाइजेशन बनेगा कैसे? तो जॉइंट एफर्ट से, साथ में मिलके और कोऑपरेटिव, एक दूसरे का सहारा बनके। इन इंडिया इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन वॉज फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रेशनलाइजेशन इन जूट इंडस्ट्री। तो इन्होंने फॉर्म किया था, लेकिन कौन सी इंडस्ट्री में किया था? जूट इंडस्ट्री में। जूट यानी शन, वो अनाज के थैले बनते थे ना पहले, अब तो प्लास्टिक में आते हैं वो, पर जो कंथान जो बोलते हैं ना वो, उसमें से रस्सी भी बनाई जाती है जूट में से। मिसेलेनस यानी परचूरन, बाकी सब। दे इंक्लूड द फॉलोइंग, पहले जॉइंट स्टॉक कंपनीज,
इफ शेयर होल्डर्स आर विलिंग टू कंबाइन, विलिंग यानी उनकी मर्जी है टू कंबाइन विद सम अदर कंपनी, दे कैन डू इट बाय ट्रांसफरिंग द शेयर्स एंड परचेजिंग शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी। क्या किया जाएगा कि हम अपने शेयर वो वाली कंपनी को दे देंगे और उसके सामने उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लेंगे, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, सारे शेयर होल्डर्स की मंजूरी होनी चाहिए तब। फिर पेटेंट लॉज एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, अब समझो किसी कंपनी के पास एक पेटेंट है जो पेटेंट 15 साल के लिए वो यूज कर सकती है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं, तो मुझे उस पेटेंट का अगर फायदा चाहिए तो मुझे उस कंपनी के साथ में कंबाइन होना पड़ेगा, तो इसलिए इनको कंबाइन होना पड़ता है। उसके बाद में चांस ऑफ गेन्स बाय ओवर कैपिटलाइजेशन, कुछ ऐसे बिजनेस है जिनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है, अपने रिजर्व एंड सरप्लस लिखते हैं ना अनामत, जो पैसे उसके अंदर वो बहुत ज्यादा है। अब उन लोगों के लिए प्रॉब्लम ये है ना कि अपने बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका बिजनेस सबसे बड़े पैमाने पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, तो क्या करेंगे, उनके जैसे छोटे छोटे दूसरे बिजनेस को उसी कैपिटल में से खरीदना शुरू करेंगे। तो ये ओवर कैपिटलाइजेशन यानी ज्यादा मूड़ी होना, वो भी तुम्हारे लिए क्या कॉम्बिनेशन बनाने का एक रीजन है। इसमें लिखा गया है कि चांस कैसा मिलेगा, स्पेक्युलेटिव गेन, स्पेक्युलेटिव यानी सट्टा, राइट, मार्केट में प्राइस बढ़े तो उस टाइम पे बेच देना ऐसा। द एनहांस इंपोर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, विद द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट एट इंटरनेशनल लेवल द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग हैज बिकम मोर इंपोर्टेंट एंड रिस्की। अब मार्केटिंग कैसे करेंगे, बराबर, जैसे कि अगर कोई कंपनी इंडिया में आती है, एक कंपनी का नाम ले रहा हूं मैं, सोनोस, SONOS, वो स्पीकर बनाती है, सेकंड नंबर वाली कंपनी है, फर्स्ट नंबर तो बोस, इंडियन इंसान ने एस्टेब्लिश किया बोस, और ऐसी कंपनी दूसरी है वो सोनोस, उसको इंडिया में आना, तो इंडिया में आए तो सबके जगह अलग अलग जगह पे उसको आउटलेट ओपन करने पड़े, तो उसने क्या किया, कुछ नहीं करना है, हम सीधा क्रोमा के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे। तो मार्केटिंग करने के लिए आपको नई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, क्रोमा के अंदर एक कॉर्नर के अंदर आपको बेचना शुरू कर देना है, बात खत्म। तो यहाँ तुमको क्या फायदा मिल गया, डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा पूरा मिल गया, जहां जहां क्रोमा है वहां सब जगह सोनोस की प्रोडक्ट मिलेगी। एग्जैक्टली, 60,000 से स्पीकर शुरू होता है, 59,900, वो भी इतना सा, एक हथेली पे आ जाए ना। विद द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट एट इंटरनेशनल लेवल द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट एंड रिस्की। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मार्केटिंग, प्रोड्यूसर्स मे फॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑपरेशन। तो ये लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो मार्केटिंग का फायदा लेना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ तक आज फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 17। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशंस आर एक्सप्लेन एज अंडर। सबसे पहले देखो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, आप हॉरिजॉन्टल यानी पैरेलल यूनिट या ट्रेड कॉम्बिनेशन। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स एट सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अंडरलाइन कर, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन का मतलब एक जैसी चीजें बनाने वाले सारे बिजनेस एक साथ में कंबाइन हो, उनका आउटपुट सेम है, यानी मतलब अगर स्टील बनाने वाली कंपनी है तो जितनी भी स्टील बनाने वाली कंपनीज है वो साथ में अगर जुड़ जाते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन हो, बराबर, यानी उनकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सेम। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल यानी समक्षितिज गुजराती, इसका मतलब ये होता है कि अपने सेम लेवल, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते, यानी यहाँ लिखा ही है देखो, एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और एट द सेम प्लेन इन द ट्रेड और कॉमर्स, चाहे बिजनेस सेल करने का हो नहीं तो भी सेम, बराबर, सेम स्टेज होना चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन कम्स इनटू एक्जिस्टेंस व्हेन द यूनिट्स विद सेम प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी तुम्हारी एक्टिविटीज सेम है, या यूनिट्स विद सेम ट्रेड कंबाइन, या तो तुम्हारा बिजनेस सेम तो हम कॉमन पर्पस के लिए कंबाइन। चार स्टील मिल, जैसे यहाँ पे डायग्राम में बताया गया, चार अलग अलग स्टील मिल्स के डीलर्स
कॉम्बिनेशन बना है इस तरह से, द पर्पस ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन इट मे बी टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन। इसका मकसद क्या है? इंटेंसिटी रिड्यूस करना। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या? इंटेंसिटी का मतलब जो एक्सटेंट है, यानी जिसको है अपने जितना ज्यादा ने उतना खराब कॉम्पिटिशन। इंटेंसिटी यानी तीव्रता ऑफ कॉम्पिटिशन टू टेक द एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस। और हम क्या करेंगे? हम एडवांटेजेस का ले तो चार चार फॉर्म साथ में मिल जाएगी तो पूरे मार्केट पे राज करें। टू टेक द एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस और टू क्रिएट मोनोपोली एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स इन द इंडस्ट्री। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी सोशल कॉम्पिटिशन। क्यों एंटी सोशल? क्योंकि देखो मकसद है, देखो क्या लिखा है। पहले तो लिखा है कि लार्ज स्केल ऑपरेशंस करेंगे, यानी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि मार्केट में मोनो इकोनॉमिक पावर फ्यू हैंड्स में जब आए ना, तो इसका मतलब कि कुछ लोग पूरे मार्केट में कंट्रोल करेंगे। अब उनका कंट्रोल अगर हुआ तो इससे क्या हो गया कि मार्केट में जो भी चल रहा है वो सब लूट फाट चल रही है, तो ये एंटी सोशल हो गया, यानी समाज विरोधी। इन इंडिया द शुगर सिंडिकेट एंड एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज एसीसी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशंस। अब उसके बाद ये एग्जाम्पल याद रखना, वर्टिकल कॉम्बिनेशन उसको सीक्वेंस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस इंडस्ट्री बोला जाता है, उसको प्रोसेस या तो इंडस्ट्री कॉम्बिनेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन सक्सेसिव स्टेजेस, मतलब मैंने समझो कि अभी कोई एक चीज मैन्युफैक्चर करता हूँ, उसका एक स्टेज पूरा हुआ, फिर दूसरे स्टेज के अंदर मैं नहीं कोई दूसरा होगा, तीसरे स्टेज के अंदर कोई तीसरा होगा, इस तरह से आगे बढ़े, तो इसको अपने वर्टिकल कॉम्बिनेशन बोला। बराबर ना? इन सच इंडस्ट्री द मटेरियल पासिस थ्रू वेरियस प्रोसेसेस एंड इन सच इंटीग्रेशन वेरियस प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट फॉर्म्स। सच इंटीग्रेशन में भी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन दोनों हो सकता है। अब जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है ना, उसमें क्या आता है कि मेरे पास रॉ मटेरियल है, मैं जिसको आगे भेज रहा हूँ उन्हें, वो इंसान रॉ मटेरियल में से एक दूसरा नया प्रोसेस करके सेमी फिनिश गुड्स बनाने वाला, वो उसके आगे बना के तीसरे किसी को भेजेगा, तो वो और उसके अंदर कुछ नई चीजें भेजेगा। यानी मतलब हम आगे बढ़ा रहे हैं प्रोडक्ट, उसको फॉरवर्ड बोला जाता है। यानी जो मैन्युफैक्चरर है ना, अगर वो रिटेल शॉप के साथ में कॉम्बिनेशन करे तो वो फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन। बराबर? अब दूसरा है बैकवर्ड। बैकवर्ड यानी उल्टा, उसमें क्या जो मार्केटिंग करने वाली फॉर्म है ना, वो मैन्युफैक्चरर के साथ में कॉम्बिनेशन, बेचने वाली फर्म बनाने वाले के साथ कॉम्बिनेशन करे, वो बैकवर्ड हो गया। फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ना, बैकवर्ड यानी पीछे जाना। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो फर्म्स है वो जिनिंग ऑफ कॉटन, स्पिनिंग, वेविंग एंड ब्लीचिंग, वो सब साथ में हाथ मिला। जैसे कॉटन जिनिंग का मतलब कॉटन जो है ना उसमें से तार अलग अलग करना, स्पिनिंग यानी उसके अंदर से क्या करेंगे अपने डोरा बनाएंगे, उसके बाद में वेविंग यानी उसके अंदर से कपड़ा बनेगा, और उसके बाद में बेचने वाला, और लास्ट में मार्केट। ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें सब में प्रोसेस अलग अलग, सब प्रोसेस अलग अलग, लेकिन कंपनी भी अलग, एक जगह पे नहीं होता, अलग अलग जगह, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपने वर्टिकल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ये राइट डायग्राम में यही है। हम क्या करेंगे, वर्टिकल कॉम्बिनेशन को इसलिए अपने इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम एलिमिनेट कर पाए, यानी दूर कर पाए क्या, एक तो सबसे पहले वेस्टफुल कॉम्पिटिशन को और अननेसेसरी एक्सपेंस जो भी है वो सब निकल जाने चाहिए डिफरेंट प्रोसेस में, और साथ में इसमें तुम्हारे जो मिडिल मैन है ना वो भी एलिमिनेट यानी दूर हो जाते हैं। मिडिल मैन यानी कोई बीच वाला कोई नहीं रहेगा इसमें, सीधा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में चीज जाएगी ऐसा। और हम दूसरा एडवांटेज किसका ले सकते हैं, सब मिल गए तो इसका मतलब मार्केटिंग का खर्चा, एडवर्टाइजिंग का खर्चा और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सब एक दूसरे के साथ में शेयर कर पाएंगे। वर्टिकल कॉम्बिनेशन किन इंडस्ट्रीज के अंदर चल सकता है? तो नंबर वन, जहां पे एक ही फिनिश प्रोडक्ट दूसरे का रॉ मटेरियल बन जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, एक की फिनिश प्रोडक्ट दूसरे का रॉ मटेरियल, यानी मैंने जो बनाया है वो तुम्हारे लिए रॉ मटेरियल। फिर दूसरा, एक प्रोसेस कॉम्प्लीमेंट्री है अदर प्रोसेस, कॉम्प्लीमेंट्री यानी साथ में चलना, कॉम्प्लीमेंट्री यानी साथ में होना। और जहां पे बैलेंस प्रोडक्शन इम्पोर्टेंट, यानी मतलब हर चीज बराबर से टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए, जैसे स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ क्लोथ्स, ये दोनों में प्रोडक्शन बराबर होना चाहिए। वेयर कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इज नेसेसरी टू मेंटेन द स्टैंडर्ड क्वालिटी। अब सोचो
कि एक तरह की क्वालिटी चाहिए ना तुम्हें, मैंने उसी इंसान के साथ में जाओगे जो अच्छी क्वालिटी बना रहे, या तो तुमको जो रिक्वायर्ड है वो क्वालिटी दे रहा है। तो हम बार बार अलग अलग लोगों के पास से मटेरियल नहीं लेंगे, उसी के पास से मटेरियल लेंगे, इसलिए कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है। जब क्वालिटी मेंटेन करनी हो रही तब भी ये कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है, स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए अपने कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब इसके बाद थर्ड वाला देखो, लेटरल कॉम्बिनेशन। लेटरल कॉम्बिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ लेटरल इंटीग्रेशन। अब सवाल, ये लेटरल का मतलब क्या होगा? लेटरल का मतलब ये होता है कि किसी न किसी तरह से तुम दूसरी प्रोडक्ट के साथ में जुड़े हुए हो। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, ट्रक बनाने वाली कंपनी स्टील बनाने वाली कंपनी के साथ जुड़ी हुई है क्योंकि उसका रॉ मटेरियल यहाँ काम लगता है। ट्रक बनाने वाली कंपनी टायर बनाने वाली कंपनी के साथ जुड़ी हुई, ट्रक बनाने की वाली कंपनी वायर बनाने वाली कंपनी के साथ जुड़ी, प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी के साथ जुड़ी, सोफा बनाने वाली कंपनी के साथ जुड़ी, है ना? तो ये सब कोई ना कोई एक प्रोडक्ट के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसको लेटरल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। ये लेटरल कॉम्बिनेशन अलाइड लिखा है ना यहाँ पे, इसका मतलब जुड़ा हुआ होना, यानी जोड़ना, कंबाइंड। अब कन्वर्जेंट लेटरल इंटीग्रेशन, इसका मतलब कि जब वेरियस फॉर्म्स ज्वाइन टुगेदर विद अ मेजर फॉर्म टू सप्लाई मेन फॉर्म्स रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी मतलब एक बड़ी फॉर्म है उसको जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए वो सारा रॉ मटेरियल छोटी छोटी दूसरी फॉर्म्स दे रही है, तो ये कौन सा हो गया तुम्हारे लिए? वो तुम्हारे लिए रॉ मटेरियल इसके अंदर आ गया, राइट? फॉर एग्जाम्पल, यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स प्रोड्यूसिंग पेपर, इंक एंड टाइप कार्डबोर्ड, प्रिंटिंग मशीनरी कंबाइंड विद प्रिंटिंग। अब प्रिंटिंग प्रेस है तो प्रिंटिंग प्रेस को पेपर की भी जरूरत पड़ेगी, प्रिंटिंग प्रेस को मोल्ड की भी जरूरत पड़ेगी जिसके ऊपर राइटिंग्स लिखे जाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस को ऑफसेट मशीन की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सब जो भी है ना वो सब इसके साथ में ज्वाइन होता है, और ये इन्हीं को सिर्फ सप्लाई करे, बाकी किसी को, यानी जब जरूरत पड़े तब उसके पास जाने का, और उनको भी इन्हीं के सिवा दूसरे किसी को सप्लाई नहीं करना। अब डाइवर्जेंट में उल्टा है, डाइवर्जेंट में क्या, मैं मेन सप्लायर हूँ तो मैं अलग अलग कंपनी जिनको मेरा मेरी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल की तरह से चाहिए। डाइवर्जेंट का मतलब ओपन और कन्वर्जेंट का मतलब क्लोज, बराबर नहीं? अब इट हैपेंस व्हेन अ मेजर फर्म सप्लाइज इट्स ओन प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल टू ऑल द अदर फर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, स्टील मिल सप्लाइज स्टील टू अ नंबर ऑफ एलाइड फर्म्स टू प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक ट्यूबिंग, वायर, मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल, लोकोमोटिव। लोकोमोटिव यानी ट्रेन का इंजन, उसको लोकोमोटिव बोलते हैं। यानी बनाने वाला, रॉ मटेरियल बनाने वाला एक है, सप्लाई अलग अलग को करे, जैसे स्टील बनाने वाली कंपनी ट्रक बनाने वाले को भी दे, इंजन बनाने वाले को भी, सबको अलग अलग। तो ये इन सबके सप्लायर एक है, पर रेसिपिएंट ज्यादा लोग है, रिसीव करने वाले लोग ज्यादा है, जैसे यहाँ पे डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, सिंपल। अब ये जो डायगोनल कॉम्बिनेशन है, डायगोनल कॉम्बिनेशन इज इंट्रोड्यूस थ्रू डायगोनल इंटीग्रेशन। डायगोनल इंटीग्रेशन टेक्स प्लेस व्हेन अ यूनिट व्हिच प्रोवाइड्स एसेंशियल ऑक्सिलियरी गुड्स एंड सर्विसेज। ऑक्सिलियरी यानी सपोर्टिंग, डायगोनल का मतलब क्रॉस होता है, क्रॉस, बराबर ना? एसेंशियल यानी जरूरी, जो ऑक्सिलियरी गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है इज कंबाइंड विद अ यूनिट विच इज ऑपरेटिंग इन द मेन लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इन सच केस द गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर द मेन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन विल बी प्रोवाइडेड इन साइड द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंबाइन विद वर्कशॉप, जो मैन्युफैक्चर करने वाला यूनिट है ना वो वर्कशॉप के साथ में कंबाइन हो, दोनों अलग अलग है। एक एग्जाम्पल, कार खरीदते हो तुम किसके पास से? एक कंपनी के पास से। वो कंपनी किसी एक दूसरी कंपनी को इंश्योरेंस करने का बोलती हो, बराबर ना? दूसरी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करने का बोलती है, एक दूसरी कंपनी को फास्टैग लगाने का बोलती है। ये सब कॉम्बिनेशन हो गया, ये डायगोनल, ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइड, एक मैन्युफैक्चर कर रहा है बाकी सब सर्विस खाली दे रहे हैं। तो याद रखो, कोई बोले कि ऊपर भी तो ऐसा ही था, पर इसमें इसमें फर्क क्या है, इसमें सिर्फ सर्विस होती है, कुछ नहीं होती, एक प्रोडक्ट और बाकी सारी सर्विस, एक प्रोडक्ट लेकिन बाकी सारी सर्विस होती है। जैसे टीवी परचेज करो, उसके साथ में बोले कि 3 महीने का
जो टाटा स्काई का सब्सक्रिप्शन है वो तुम्हारे लिए फ्री, ये कॉम्बिनेशन हो गया। टाटा स्काई क्या प्रोवाइड करता है? सर्विस टीवी कुछ के अंदर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ये तुम्हारे लिए डायगोनल। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड की कंपनीज भी इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाते हैं। क्रेडिट कार्ड परचेज करो तो फलानी कंपनी से खरीदोगे तो 5% डिस्काउंट, इसके साथ खरीदो इतना डिस्काउंट, ये सबके कॉम्बिनेशन है। फिर उसके बाद आता है सर्कुलर कॉम्बिनेशन, ये मिक्स होता है। मिक्स यानी कोई कनेक्शन ना हो, ऐसे के बीच में कॉम्बिनेशन आ जाए। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ कि एमएस यूनिवर्सिटी में पहले ने बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ना वो काम ऊपर, मैं डायगोनल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा बैठते थे वो लोग फीस कलेक्ट कर कैशर लेते थे, ये ऑनलाइन तब होता नहीं था कुछ भी, तो कैश लेते थे। और वो कहाँ पे, वहां पे बनने एमएस यूनिवर्सिटी में काउंटर ओपन करके बैठे और वहां पे जाके पैसे भरो, हमारा एडमिशन हो गया, डॉक्यूमेंट भी वहीं पे देने के, फॉर्म खुद भरने के, सोचो कितनी लाइन लगती होगी। पहले फॉर्म लेने जाओ वहाँ, 5 रुपये का 10 रुपये का फॉर्म, फॉर्म को फिलअप करें, उसके साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करो, फिर एक एनवेलप दे आपको वहाँ से, एनवेलप के अंदर सारे डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई कराओ, फिर एनवेलप के अंदर सब दे दो, फिर वो एनवेलप को सील करके अपने पास रख ले, और फिर बोले कि जाओ तुम ये चिट्ठी लेके जाओ और वहां पे ना फीस भर दो, तो चिट्ठी भी अपने को भरने की सर, फिर वहां फीस भरने की। अब सोचो ये लंबा प्रोसेस है पर सिंगल डे में हो जाए। अब इसमें कोई परसेंटेज वाइज तो होता नहीं था, जब जाओ तब तो उन्नीस क्या कोई भी बड़ा बन, हायर पेमेंट जैसा नहीं होता था पहले। अभी जो लिखा है ना हायर पेमेंट, पे मेरी खुद की फीस कितनी थी एमएस में, 430 रुपये पूरे साल की, 430 रुपये, क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन फ्री था। ये तुम देखोगे ना फ्री का बाइफरकेशन, तो इसके अंदर कितनी सारी चीजें, उसके अंदर डेवलपमेंट चार्ज, ये चार्ज, ट्यूशन फीस तो है नहीं, लड़कियों के तो 0 है, 1200 रुपये खाली ट्यूशन फीस है, और इनकी 0 इसलिए तुम्हारे से इनकी फीस 1200 रुपये कम, क्योंकि इंदिरा गांधी ने ये बोला था कि चाइल्ड लड़कियों का एजुकेशन फ्री, 8th स्टैंडर्ड से तुम फीस नहीं भरते हो, जो ग्रांटेड स्कूल में पढ़ते उनको पता है, नॉन ग्रांटेड वालों को बात अलग है, बराबर। 8th स्टैंडर्ड से तुम फीस नहीं भरते, ये उस टाइम मैं बात कर रहा हूँ। अब इतनी फीस है ना 430 रुपये और लड़कियों की कितनी, खाली 30, तो 400 ट्यूशन भी होती है, खाली 30 रुपये, 30 रुपये के लिए भी लाइन में खड़े रहने, समझे, कुछ इतनी भीड़ भी नहीं होती थी। 1200-1500 का एडमिशन होता था पूरी यूनिवर्सिटी, यानी कॉमर्स फैकल्टी में 1200-1500, 12,000 आ जाते हैं पढ़ने वाले लोग, बढ़े ना साथ में पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई। तो सर्कुलर कॉम्बिनेशन में व्हेन ये तुम्हारा कौन सा हुआ, वो डायगोनल वाला हुआ, क्योंकि एमएस यूनिवर्सिटी का काम अलग है, बैंक ऑफ बड़ौदा का काम अलग है, लेकिन फीस पेमेंट के लिए दोनों कंबाइंड हो गए। फिर उन्होंने क्या चालू किया पता है, कि फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पे मत आओ, कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच के अंदर भर दो, कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच के अंदर, इसकी जो स्लीवर है वो वहां पहुंच जाए, फिर इसके बाद में तुम्हारा आई कार्ड जनरेट हो। सर्कुलर कॉम्बिनेशन, व्हेन द फर्म्स बिलोंग टू द डिफरेंट इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स कंबाइंड टुगेदर अंडर द बैनर ऑफ सेंट्रल एजेंसी, इट इज नोन एज सर्कुलर कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ अ शुगर मिल कंबाइंस विद स्टील फैक्ट्री और सीमेंट फैक्ट्री, ये क्या हो गया तुम्हारे लिए, मिक्सड कॉम्बिनेशन। इफ अ शुगर मिल कंबाइंस विद स्टील फैक्ट्री और सीमेंट फैक्ट्री, इट इज मिक्स कॉम्बिनेशन। द मेन पर्पज ऑफ सच कॉम्बिनेशन इज टू सिक्योर द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन टू कॉमन मैनेजमेंट। इसमें कैसा होता है कि सब अलग अलग फॉर्म्स है लेकिन करने वाला एक काम एक ही, जैसे टाटा इंडस्ट्रीज है, टाटा स्टील भी है, टाटा का नमक भी मिलता है कि नहीं, टाटा के मसाले भी मिलते हैं, पर सब टाटा के ब्रांड के नाम के साथ क्यों जुड़े हो, क्योंकि मैनेजमेंट सेंट्रली एकत चिंता, एकत लोग, एकत टीम करती है, इसलिए टाटा अलग अलग बिजनेस में भी कंबाइंड है। अब टाटाज बिल्डास मार्टिन बर्न एंड को एंड कंपनी एटसेट्रा आर मेकिंग सच कॉम्बिनेशन ऑन लार्ज स्केल। तो एक बैनर के अंदर काम करना है, एक ही तरह से कंबाइन होकर आपको काम करना है, दैट्स वाई ये सर्कुलर कॉम्बिनेशन काम करता है।